हम दोस्त नेक्स्ट लेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्शन हमारा रोजेनमान रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मतलब दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। सबसे पहले जानेंगे रिएक्शन क्या होता है। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह जब रिएक्टेड प्रोडक्ट में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? रिएक्शन। अब आ गया रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का भागना, क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब देखो, अब यहाँ पर रोजन मांड है। इस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक देखो, कुछ नहीं बोला यहाँ पर। देखो पंडित है तो प्लेडियम ले लिए, एक पंडित बाबा, बाबा बोले तो बेलियम सल्फेट, साहेब है तो यहाँ पर सल्फर। तो पंडित बाबा साहेब हथेली पर एसिड लगाकर यहाँ पर ले लिए एसिड और हाइड्रोजन मेटल या क्लोरीन नॉन मेटल, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। अब देखो यहाँ पर बच गया अल्काइल कीटो ग्रुप, यहाँ पर लिख दिया अल्काइल कीटो ग्रुप। अब इस कीटो ग्रुप में कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। यहाँ पर लिख दिया एल्डिहाइड। और ये हमारा कौन सा क्लोराइड है? एसिड क्लोराइड। क्लोराइड यहाँ पर लिख दिए एसिड क्लोराइड। ये एग्जाम का सबसे ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन, समझा? लिखेगा एक्सप्लेन द नोट्स, उसमें रहेगा रोजेनमैन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इसको हर जितना भी एग्जाम होना है सारा आया हुआ एग्जाम कन्वर्जन के लिए फेमस फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम का कभी बनाते हैं तो बोलो जब एसिड क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में पैलेडियम को लेने, पैलेडियम को लेने सपोर्टर के रूप में, सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट को लेने, बेरियम सल्फेट को लेने पर, और पॉइजन के रूप में, पॉइजन के रूप में सल्फर को लेने पर, सल्फर के रूप में, और मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ पे सल्फर के बगल में तुम पॉइजन के रूप में क्विनोलिन भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? क्विनोलिन। अब देखो मामला क्या होता है। पैलेडियम तो कैटलिस्ट है, इसका काम भी है रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना। बेरियम सल्फेट क्या करता है? बोलता है कि यार पैलेडियम हमारा बचपन का दोस्त है, हम भी क्या करेंगे कि तुम्हारा जो केमिकल रिएक्शन है उसके स्पीड को बढ़ाने में मदद करेंगे। सल्फर बोलता है हम तो भैया पॉइजन है, क्विनोलिन भी बोलता है हम भी पॉइजन, मतलब दोनों जहर है। तो हम बोले यार इस सल्फर क्विनोलिन को काहे लिया जा रहा है? तो बोलता है कि देखो ये हमारा एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड कहाँ से आया? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं सब कैटलिस्ट एकदम देते रहता है हाइड्रोजन ले लो ले लो, तो एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल ना बन जाए। 1 डिग्री अल्कोहल को बनने से रोकने के लिए यहाँ पर जहर के रूप में सल्फर और क्विनोलिन को लिया। अब क्विनोलिन है क्या? क्विनोलिन एक तरह का पॉइजन है, एक तरह क्या है? पॉइजन है। अब देखो ये हमारा बेंजीन का रिंग है भैया, पोटेशियम साइनेट क्या अलग जगह प्रकार है। ये देखो ये हमारा बेंजीन का रिंग है, ओके। अब बेंजीन के रिंग पर एक और बेंजीन का रिंग लगा दे रहे हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं नेफ्थेलीन। क्या बोलते हैं? नेफ्थेलीन। और एक और बेंजीन लगा दोगे तो बन जाता है एंथ्रासीन। क्या बनता है? एंथ्रासीन। अब इस कार्बन को हटा दी एक, और इस कार्बन के बीच में नाइट्रोजन को डाल दी, ये बन गया मेरा क्विनोलिन। क्या बन गया? क्विनोलिन। तो फिलहाल परीक्षा में क्विनोलिन जल्दी नहीं देता, सल्फरित रोकता है। ट्रिक हमारे क्या है? पंडित बाबा साहेब हथेली पर एसिड लगा के रोज मुंडन करेंगे। पंडित बाबा साहेब हथेली में हथेली पर एसिड लगा के रोज मुंडन करेंगे। यहाँ पर देखो पंडित था तो किसको लिख दिया? प्लेडियम।
बाबा था तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट लिख दिए, साहेब था तो यहाँ पर सल्फा लिख दिए। तो पंडित बाबा साहेब हथेली पर एसिड लगाकर, मतलब एसिड क्लोराइड, सबसे छोटा अल्काइल का नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो दो कार्बन के लिए एसिड, खाली बॉन्ड के लिए वायल, सीएल के लिए क्लोराइड, इसका नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। अब इसका यूपीक नाम भी बहुत खास है, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लड्डू के लिए लड्डू, खाली बॉन्ड के लिए वाई है और सीएल के लिए क्लोराइड, इसका नाम हो गया इथानोएल क्लोराइड। क्या हो गया, इथानोएल क्लोराइड। अब हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब बच गया मिथाइल कीटो ग्रुप, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल कीटो ग्रुप। अब इस कीटो ग्रुप में कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बन का टेनिक फंक्शन ग्रुप है, तो बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ई, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड को सेकंड से इसमें अल, यहाँ पर इथेनॉल, इसका नाम हो गया इथेनॉल। तो बोलो जब इथान एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में प्लेडियम को लेने पर, और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट को लेने पर, और पॉइजन के रूप में सल्फर को लेते हैं, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड बनता है। लैंग्वेज बोलो, व्हेन एसिड क्लोराइड अंडरगोज रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेडियम एंड सपोर्टर बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाय सल्फर देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो रोजरमैन रिडक्शन रिएक्शन का आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग तो कैटलिस्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है, पंडित बाबा साहेब, तो पंडित का मतलब कौन सा कैटलिस्ट हो गया, प्लेडियम, और बाबा का मतलब बेरियम सल्फेट, साहेब का मतलब सल्फर। तो पंडित बाबा साहेब हथेली पर एसिड लगाकर, मतलब यहाँ पर हो गया मेरा एसिड क्लोराइड। और अभी तक हम लोग दोस्त एलिफेटिक चेन का एग्जाम्पल ले चुके हैं, अब हम लोग किसका एग्जाम्पल लेंगे, एरोमेटिक चेन का। और एरोमेटिक चेन का यार एक ही तो है हमारा, वो है हमारा बेंजीन का रिंग। अब हाइड्रोजन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, HCl। अब देखो यहाँ पर फिनाइल कीटो ग्रुप था, यहाँ पर योग जो मेरा फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप के साथ कीटो ग्रुप लगा दिए, और इस कीटो ग्रुप से जुड़ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर जुड़ गया हाइड्रोजन। तो जब बेंजीन के रिंग पर जुड़ा हुआ हो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलते दोस्त, बेंजाल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाल्डिहाइड। और रिएजेंट देखो, बेंजीन पर लगा हुआ एसिड क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। हम बोलते थे बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास दो हाइड्रोजन तो बेंजाइल ग्रुप, वन हाइड्रोजन तो बेंजाइल ग्रुप, आज जीरो हाइड्रोजन तो बेंजो ग्रुप। तो सबसे पहले यहाँ पर बेंजो लिखी, ओके। अब देखो खाली बॉन्ड था तो वाई ए डाल दिया, और सीएल के लिए क्लोराइड, यहाँ पर लिख दिया क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। तो बोलो जब बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं कैटलिस्ट के रूप में प्लेडियम लेने पर, और सपोर्टर के रूप में बेरियम सल्फेट को लेने पर,
और पॉइजन के रूप में सल्फर को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाल्डिहाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बोलवे एसिड क्लोराइड अंडरगोज रिडक्शन विथ अंडरगोज रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेडियम एंड सपोर्टर बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाय सल्फर देन एल्डिहाइड इज फॉर्म। देखो सबसे पहले तुम जनरल रिएक्शन लिखना एसिड क्लोराइड वाला, फिर एक दो चाहे तुम एसिटाइल क्लोराइड वाला एग्जांपल लेना चाहे बेंजोइल क्लोराइड वाला, ये लैंग्वेज पक्का लिखना तभी तुमको दो नंबर पर मिलेगा। ठीक, तीसरा फूल एचरी में रोजेमर रिडक्शन रिएक्शन खत्म।